है कि जब मैंने ये सब कुछ किया है तो तू भी तो कुछ कर, कि तू मेरी मान के चल, तू मेरी मान के चल, ये तुम्हारी औलाद है, तो मैंने कान से पकड़ के कहा तो ये करो ये ना करो ये करो ये ना करो, तो आगे कोई हील हुज्जत करे तुम कहते चुप रहो, जो कहा गया है वो करो, जो कहा जा रहा है वो करो, तुम अभी छोटे हो तुम्हें पता नहीं। यही कुछ अल्लाह मुझे कहता है कि मेरे बंदे वो कर जो कह रहा हूँ, शराब ना बेच, सूद पे काम ना कर, तुम कहते हो गुजारा नहीं होता, तो अल्लाह कहता है तुम्हें खबर नहीं मुझे खबर है, तुम छोटे बच्चे के तो से तो अपनी मर्जी करवा लेते हो, मुमकिन है तुम्हारा बच्चा तुमसे सही बात कर रहा हो और तुम गलत हो, लेकिन तुम बड़े होने के दावे पर अपने बच्चे को अपने ताबे चलाते हो, तो मैं तुम सबका बड़ा हूँ और मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं कहता हूँ ये काम मत कर, तुम कहते मेरा गुजारा नहीं, कैसे कहते हो इसके बगैर कारोबार नहीं चलता, ये तुम कैसे कहते हो। तो दो चीजों से अल्लाह ने इंसान को बनाया, एक जिस्म एक रूह। रूह अल्लाह का अमर है, वो आता है तो जिंदगी वजूद में आती है, और इसके बारे में खामोशी है, यसअलूनक अनिर रूह। ये कुरैश मक्का गए यहूद के पास कि ये जो हमारा नौजवान अपने आप को नबी कहना शुरू कर दिया है इसने, तो इसके इसको हम कैसे टेस्ट करें। तो यहूदियों ने कहा उससे तीन सवाल करो, पूछो ज़ुल्करनैन कौन है, पूछो सहाबे कहफ कौन है, पूछो रूह क्या है। वो दो का जवाब अगर दे, ज़ुल्करनैन और असहाब कहफ का किस्सा सुनाए और रूह पर खामोश हो जाए तो वो नबी है, और अगर रूह का भी फलसफा बताना शुरू कर दे तो फिर वो झूठा है। तो अब ये अखनस बिन शुरैक और आस बिन वाइल ये अरब सरदार जाके मिले थे, ये बड़े आए घोड़े दौड़ाते हुए, कहले मोहम्मद तुमसे तीन बातें पूछनी। तो आपने कहा पूछो। कहा असहाब कहफ कौन है, तो अल्लाह ने कहा अम हसिबत अन असहाब अलकहफ वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा इज अवल फितयतु इलल कहफ फकालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। सूरह कहफ शुरू हो गए, अल्लाह ने असहाब कहफ का किस्सा शुरू कर दिया। फिर कह लेंगे ज़ुल्करनैन कौन है, तो अल्लाह ताला ने उतारा यसअलूनक अन दिल करनैन कुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्द व आतैनाहु मिन कुल्ली शैइन सबबन फअतबअ सबबा। मैं तुम्हें ज़ुल्करनैन का किस्सा सुनाता हूँ, वो सारा सुना दिया। फिर पूछा रूह क्या है, रूह क्या। अब वो सारे मुंतजर हैं कि अब रूह पर भी कोई तकरीर करेगा। रूह वो तो मायन तो को नहीं लहा, मेरा नबी खुद तो बोलता ही नहीं था, वो बोलता था जो अल्लाह बुलवाता था। एक सहाबी कहने लगे या रसूलल्लाह अब्दुल्ला बिन आमर मैं आपकी बातें लिखा करता हूँ, कभी कभी आप गुस्से में होते हैं उस वक्त भी लिखा करो। उन्होंने यूं सोचा कि जैसे हम गुस्से में ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो अल्लाह का नबी गुस्से में, क्या अल्लाह का नबी गुस्से में भी सही बात करता है। ये उनको धोखा लग गया। तो या रसूलल्लाह आप गुस्से में होते हैं उस वक्त भी मैं लिखा करूँ, तो आपने कहा उक्तुब फवल्लदी नफसी बियदिही, लिख लिख उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, ला यखरुज मिन हाजा, यूं क्या इल्लल हक, लिख लिख के उस जात की कसम जो मेरी जान का मालिक है, इस जबान से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता, हर हाल में हक ही निकलता। यसलून रूह क्या है मोहम्मद, तो आपने कहा, तो अल्लाह ने कहा यसअलूनक अनिर रूह, ये पूछते हैं यसअलूनक अन दिल करनैन कुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा। ये कहते हैं ज़ुल्करनैन का सुन, ये कहानी है ज़ुल्करनैन की। ये कहते हैं असहाब कहफ तो सुन, अम हसिबत अन असहाब अलकहफ वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। अब ये कहते हैं रूह क्या है, यसअलूनक अनिर रूह कुल अर्रूह मिन अम्र रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला क़लीला। खत्म। ये कहते हैं रूह क्या है, तो आप इनसे कहिए कि रूह मेरे अल्लाह का अमर है और तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। बात तो ठीक है पर मानेंगे नहीं है, माने फिर भी नहीं है। तो अल्लाह ने मेरा और आपका जिस्म दो चीजों से बनाया है, एक मिट्टी एक रूह। मिट्टी से ये जिस्म बना और उस पर रंग रूप डाले, सव्वरकुम फिल अरहाम में कैफ यशा, और फिर रूह डाली।
अब रूह के लिए अलग ज़रूरतें हैं और जिस्म के लिए अलग ज़रूरतें हैं। रूह की ग़िज़ा अलग है, जिस्म की ग़िज़ा अलग है। जिस्म के लिए अल्लाह ने इसको मिट्टी से बनाया, तो अल्लाह ने इसका धरती पर दो दस्तरखान लगाए हैं। एक दस्तरखान है जिस पर जिस्म के लिए ग़िज़ा चुनी हुई है, और दूसरा दस्तरखान है जिस पर रूह के लिए ग़िज़ा चुनी हुई है। जिस ग़िज़ा को छोड़ोगे उसका नुकसान आपको नज़र आएगा, उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। जिस्म की ग़िज़ा छोड़ें तो उसका नुकसान नज़र आता है, रूह की ग़िज़ा छोड़ें तो उसका नुकसान भी नज़र आता है। ये दो दस्तरखान मेरे अल्लाह ने आसमान से उतारे हैं। एक दस्तरखान ज़ाहरी है, अनज़लना मिनस्समाए मा, कि हमने अन्ना सबबनल मा असब्बा, हमने पानी उतारा, तुम शक्कनल अर्द शक्का, फिर हमने ज़मीन को फाड़ा, फअंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबा व क़द्बन व ज़ैतूना व नखलम व हदाइक गुलबा व फ़ाकियतम व अब्बा, हमने आसमान से पानी उतारा। अलम तर, इससे और पहले, अलम तर अन्नल्लाह युज़्जी सहाबन, देखते नहीं हो ये बादल कहाँ से आते हैं? तुम्हारे बस में होते तो तुम सर्दियों में सारे भगा देते बादल, कहते तो हट जाओ जानू, दुब जाई दिए जानू। तो अल्लाह कहता है कौन लाता है बादल खींच के, कौन लाता है? अलम तरा, कभी गौर किया क्या? अन अल्लाह युज़्जी सहाबा, ये बादल अल्लाह हांकता है, थुम्मा युअल्लिफु बैनहु, फिर इनको आपस में जोड़ता है। फिर एक अजब आयत उस वक्त कही गई जबकि बादलों के ऊपर देखने का कोई निज़ाम था, थुम्मा यजअलुहु रुकामन, फिर उन्हें यूं पहाड़ बनाकर खड़ा कर देता है। अब ये जब जहाज़ों पे सफ़र हुआ तो फिर ऊपर जाके देखा कि बादल पहाड़ की तरह खड़े हुए हैं और यूँ मखरूती शक्ल में खड़े हुए हैं। और मेरे नबी पर कुरान उस वक्त उतरा था जब बादलों के ऊपर देखने का कोई वसीला नहीं था, तो अल्लाह ने उस वक्त कहा कि मैं ऐसे मखरूती शक्ल में पहाड़ बना के रोका मन मैं उन्हें यूँ खड़ा कर देता हूँ ऊपर। उसके बाद अगला निज़ाम है, अन्ना सबबन अलमा असब्बा, मैं पानी बरसाता हूँ, सब्बा सबबन अलमा सब्बा, बरसाता हूँ अनोखे अंदाज में। अनोखा अंदाज क्या है? पानी 1200 मीटर की बुलंदी से बरसता है। जो बादल 1200 मीटर पर होते हैं बस वो बरसते हैं, ना इससे ऊपर बरसते हैं ना इससे नीचे बरसते हैं। ये जो ओले हैं ये ऊपर से आते हैं, वो जो बर्फ़ गिरती है ये ऊपर से, वो जो यूँ रुकाम बने होते हैं उनमें से बर्फ़ गिरती है। तो 1200 मीटर की बुलंदी से पानी के कतरे के बराबर अगर किसी चीज़ को गिराया जाए तो उसकी रफ्तार बनती है 558 किलोमीटर फी घंटा। 1200 मीटर की बुलंदी से पानी के कतरे के बराबर में किसी चीज़ को फेंका जाए तो उसको तेज़ी से आते 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 जब वो मेरे घर की छत पर आकर गिरेगी तो उसकी रफ्तार बन चुकी होगी 558 किलोमीटर फी घंटा। अन्ना सबबनल मा असब्बा, मैं पानी बरसाता हूँ बड़े अनोखे अंदाज। अगर ये 558 किलोमीटर की रफ्तार से पानी आता तो गंजा तो पहले कतरे ते गया ही ना, बरमा दे सिरे चाई ते वालनाले नू चार कतरे साय हो रहा। तो मौलाना जो अभी फ़ख्र फरमा रहे थे हमारी मस्जिद इसके लेंटर में ऐसे सुराख पड़ते कि तय तक बुनियादें उखड़ जाती, क्योंकि बुलेट की रफ्तार, गोली की रफ्तार होती है 1700 किलोमीटर फी घंटा। जो गोली निकलती है क्लाशनकोव से, पिस्टल से, उसकी रफ्तार होती है 1700 किलोमीटर फी घंटा। तो 1200 मीटर से जो पानी गिरता है उसकी रफ्तार होनी चाहिए 558 किलोमीटर फी घंटा, तो आधे से थोड़ा सा कम का फ़र्क बन जाता है। तो ये तो हमारे सीने चीर के रख देती। अल्लाह ताला, आपको कुछ भी नज़र नहीं आता, साफ़ फिज़ा नज़र आ रही है आपको, सड़क पे स्पीड ब्रेकर नज़र आता है तो आपकी गाड़ी की रफ़्तार घटती कि नहीं घटती? ठक फट ठक फट ठक, आहिस्ता आहिस्ता घटती जाती है। तो 1200 मीटर में इतने स्पीड ब्रेकर अल्लाह ने पानी के लिए बनाए हैं कि बारिश के कतरे उनसे टकराते जब आपके सर पर, मेरे सर पर, मस्जिद की छत पर और ज़मीन के फर्श पर जब वो गिरते हैं तो उनकी टोटल रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा होती है। 550 किलोमीटर को फिज़ा में तोड़ देता है स्पीड ब्रेकर के ज़रिए से जो नज़र नहीं आ रहे और हैं। अन्ना सबबन अलमा असब्बा, ये सब्बा का जो लफ्ज़ है इसकी
ताकत आज ज्यादा महसूस की जा रही है, आज ज्यादा खुल के सामने आ रहा है। बला कादरीन अला अन नुसवी बनाना, ये आयत 1400 सदी पहले कही गई कि ये कहते हैं भला कोई मर के भी जिंदा हुआ, भला कोई मर के भी उठा है। अइदा कुन्ना इदामन नखिरा, पुरानी बोसीदा हड्डियां कभी जिंदा हुई, कभी उनमें जान पड़ी, कभी उनमें रूह पड़ी। अइदा कुन्ना इदामन व तुराबन अइन्ना लमबउसून, क्या मिट्टी होने के बाद हम उठाए जा सकते हैं? तो अल्लाह ने कहा ला उक्सुम बियौमिल क़ियामा वला उक्सुम बिन नफ्स लवामा अयहसबुल इंसान अल्लन नजमा इज़ामा। ये कहता है कैसे हड्डियां जिंदा हो गई, एक कब्र में 50 आदमी दफन कर दिए गए, मिट्टी हो गए, कैसे जिंदा होंगे? तो अल्लाह कहता बला क्यों नहीं, बला क्यों नहीं, क़ादिरीन मेरी कुदरत देखना, क्या अला अन नुसवी बनाना, मैं तेरी उंगली के फिंगरप्रिंट भी तेरे ही तुझे वापस करूंगा। ये आयत पिछली सदी में ज्यादा खुल के सामने आई है कि ये इल्म पिछली सदी का है कि हर इंसान का फिंगरप्रिंट, ये अंगूठा क्यों लगवाते हैं कि ये जो छापा है किसी और के पास कोई नहीं, कायनात में किसी और के पास कोई नहीं, ये इल्म पिछली सदी में इंसान के सामने आया है। तो मेरे रब ने 14 सदी पहले कहा बला कादरीन अला अन नुसवी बनाना, ये वापस करूंगा, इस पर फिंगरप्रिंट तेरा होगा, किसी और का नहीं होगा। अना सबबन अलमा असब्बा, कभी गौर किया बारिश कैसे मैं बरसाता हूँ? तुम शखखन अलअर्द शक्का, फिर जमीन कैसे फाड़ता हूँ, शक्का कैसे फाड़ता हूँ, अगर ये सारा पानी नीचे ही चला जाए तो फिर सारा नीचे चला जाए। 50 किलोमीटर मिट्टी है, 50 किलोमीटर, और उसके बाद आग है, हम आग की किश्ती पर बैठे हुए हैं। ये ज़मीन है 24,000 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर मिट्टी है और ये आग है, और ये 50 किलोमीटर इस ज़मीन के लिए ऐसे हैं जैसे सेब का छिलका होता है, सेब के छिलके की क्या ताकत होती है, सुई मारो तो फट जाता है। ये 50 किलोमीटर ये इस ज़मीन के गेंद के लिए एक सेब के छिलके की तरह है। अगर अल्लाह ताला पानी को हुक्म देता चल व इन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून, मैं चाहूँ तो इस पानी को उड़ा के ले जाऊँ, धंसा दूँ, उड़ा दूँ, ख़त्म कर दूँ, क्या करोगे? तो फअस्कन्नाहु फिल अर्द, फिर मैं इसे ज़मीन की रगों में ठहरा देता हूँ। तुम्हारी टैंकी में पानी आ जाए तो तीसरे दिन उसमें जाले पड़ जाते हैं, और ज़मीन की रगों में 100 साल पड़ा रहे तो उसमें ना बदबू पैदा होती है, ना जाला पैदा होता है, ना वो ख़राब होता है। ये कौन कर रहा है? तुम्हारे सारे फिल्टर आजिज आ जाते हैं, और वो ज़मीन में ठहराता है और कहता है देखो 100 साल बाद निकालो, 1000 साल बाद निकालो, ताज़ा निकलेगा। ये मैं बता रहा हूँ, अल्लाह ने हमें दो चीज़ों से बनाया, एक जिस्म एक रूह। जिस्म का दस्तरखान और है, रूह का दस्तरखान और है। जिस्म के दस्तरखान पर अब अल्लाह ताला बता रहा है अब मैं तेरे लिए बारिश बरसाता हूँ, ज़मीन में पानी ठहराता हूँ, फिर ज़मीन को फाड़ता हूँ, फिर उसमें से फल फूल गल्ले सब्जियाँ गोश्त तेरे लिए निकालता हूँ, फिर हमें नहीं, हमारे साथ हमारे जानवरों को भी नहीं भूला। अब्बा अब्बा अब्बन अब्बा, उर्दू में हो गया अब्बा और अरबी में हो गया चारा, अब्बा के हम तुम्हारे जानवरों को भी नहीं भूले, उनके लिए चारा अलग निकालते हैं, घास अलग निकालते हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे जानवरों के। वल जिबाल अरसाहा मता वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, ज़मीन को बिछाया, अखरज मिन्हा माअहा पानी निकाला, व मरआहा चारा निकाला, वल जिबाल अरसाहा पहाड़ों को गाड़ा, ये किस लिए? मता अल्लकुम, तुम्हारे दस्तरखान को सजाने के लिए। हाँ वल अनआम खलकहा, जानवर बनाए, क्यों बनाए? लकुम फीहा दिफ, गरमाइश लेते हो, गरमाइश, मछली खाओ तो एकदम गर्मी लग रही है, पानी पीते जाओ, पानी पीते जाओ, हैं पानी लाओ भाई, पानी लाओ, गर्मी लग गई, गर्मी लग गई भाई, गर्मी आ गई, मछली ना खाओ, सर्दी आ गई, अब मछली खाओ। वह मुनाफे और कारोबार, मिन्हा ताकुलून, और बहुत से जानवर हैं जिनका गोश्त तुम खाते हो। वलकुम फीहा जमाल,
फिर मैं तुम्हारे लिए बड़ी खूबसूरती का मंजर होता कब हीन तुरिहून व हीन तसरहून, जब ये सुबह चरने को निकलते हैं तो और मंजर होता है, जब शाम को वापस आते हैं तो और मंजर होता है। तुम्हें यहाँ तो मिलता है देखने को, यहाँ तो आम मिलता है चरागाहों में जानवरों का चरना, कितना खूबसूरत नज़र आता है। وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس, फिर ये तुम्हारा वजन बोझ वहां उठा के ले जाते हैं जहां ट्रक नहीं जाता, बेशुमार पहाड़ हैं जहां सड़क नहीं जाती है, वहां जानवर जाते हैं, जानवर जाते हैं। यॉक हमारे ऊपर पहाड़ों में, गिलगित के पहाड़ों के ऊपर जानवर है, वो यूं सीधी दीवार पहाड़ होता है, उसके ऊपर ऐसे पांव रखता है जैसे आप हमवार जमीन पे पांव रखते हैं और यूं चढ़ता चला जाता है। और क्या करते हैं, वल खैल वल बिगाल वल हमीर लतरकबूहा वज़ीना व यखलुकु मा ला तअलमून, फिर मैंने घोड़े बनाए, गधे बनाए, खच्चर बनाए जिन पर तुम सवारी करते हो, और ये 14 सदी पहले की आयत है, और कुछ और बनाऊंगा जो तुम अभी नहीं जानते हो, रेल बनाऊंगा, जहाज बनाऊंगा, मोटरें बनाऊंगा, ट्रक बनाऊंगा, गाड़ियां बनाऊंगा, मोटरसाइकिल बनाऊंगा, साइकिल बनाऊंगा। व यखलुकु मा ला तअलमून, ये अल्लाह ताला उस ज़माने के लोगों से कह रहा है कि कुछ और सवारियां मैंने बनानी हैं, आज के दौर में उनकी ज़रूरत नहीं, आइंदा ज़रूरत पड़ेगी तो वो मैं बनाऊंगा जिनका तुम्हें इल्म नहीं है। ये मैं एक दस्तरखान की कहानी आपको सुना रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस जिस्म की ग़िज़ा के लिए एक दस्तरखान सजाया जिस पर अल्लाह ने नेमतों के अंबार लगा दिए, और उसमें अल्लाह ताला ने कभी सब्ज़ी, कभी गोश्त, कभी फल, कभी तरकारी, कभी दाल, कभी वो बनू इसराइल ने कहा था मैं बकलेहा व किफ़ाएहा व फूमेहा व आदसेहा व बसलेहा, इंसान की फितरत ही ऐसी है, बटेरे खा खा आखन लगे थक पे, वो दाल तक हवा मूसा सारा दाल खावन दिल करता पे, असी बटेरे खा खा थक गए हैं, कोई वसल, कोई लहसन, कोई प्याज, कोई मसरी की दाल, उनका तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, तुम ऐसे बेहतरीन खाने छोड़ के मसरी की दाल पर आ गए हो, नहीं ऐसी खावनी है दाल ही खावनी है। तो अल्लाह ताला ने जब मुख्तलिफ वक्त में आदमी मुख्तलिफ चीज़ों का तलबगार होता है, कभी ठंडा पीना चाहता है, कभी गर्म पीना चाहता है, कभी वो नमकीन खाना चाहता है, कभी वो मीठा खाना चाहता है, कभी वो नरम खाना चाहता है, कभी सख्त खाना चाहता है, कभी वो पीने को दिल करता है, कभी खाने को दिल करता है, कभी सूंघने को दिल करता है, तो मेरे रब ने दस्तरखान पर कमी कोई नहीं छोड़ी, खाने की किस्में बना दी, पीने की किस्में बना दी, सूंघने के फूल बना दिए। नजर फूल की क्या जरूरत थी, फूल हमारी जिंदगी में क्या किरदार अदा करता है, लेकिन नहीं, उनका मेरा बंदा खुशबू का दीवाना है, लिहाजा इसके लिए खुशबू बनाओ, पत्तियों पंखड़ियों में खुशबू डाल के रख दी। आबशारों की हमें क्या जरूरत थी, झरनों की हमें क्या जरूरत थी, उबलते चश्मे, पहाड़ों से गिरती हुई आबशारें और बुलबुल का नगमा, कोयल की कूक, परिंदों की डारें, इनकी हमें क्या जरूरत थी, लेकिन मेरे अल्लाह ने क्यों बनाया कि तेरी नजर की तस्कीन के लिए, कि तू हुस्न परस्त है, अच्छा मंजर तेरे दिल को भाता है। अल्लाह ताला एवं काले पहाड़ छक देंदा, चल भाई ठीक है, चार दें तो जिंदगी टपावनी, क्या खूबसूरत दुनिया बनाई अल्लाह ताला। और हैरत की बात है, सारी कायनात को दो दिन में बनाया और इस छोटी सी जमीन पर पूरे चार दिन लगाया, अर्श, लौह, कलम, कुर्सी, सात आसमान, जिब्रील, मिकाईल, इसराफील, इज़राइल, जन्नत, दोज़ख, ये सैयारे, सितारे, ये सब कुछ सिर्फ दो दिन में बनाए, सिर्फ दो दिन में, सिर्फ दो दिन में, सिर्फ दो दिन में। और ये छोटी सी जमीन जो डॉट भी नहीं है कायनात के अंदर, डॉट भी नहीं बनता कायनात के अंदर, इस छोटी सी जमीन पर पूरे चार दिन लगाए। इन रब्बकुमुल्लाह अल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ध फी सित्तति अय्याम, तुम्हारा रब वो है जिसने छः दिन में जमीन आसमान को बनाया। तो मुझे ख्याल आया करता था कि ज़मीन तो अल्लाह ताला ने एक सेकंड में बना दी होगी, चूँकि इतनी बड़ी जो कायनात बनाई है तो उसमें ज़मीन है ही छोटी सी, तो एक सेकंड दो सेकंड में बना दी होगी। तो एक दिन हामीम पढ़ते हुए मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا
ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ऐसे मैं कांप उठा कि मेरे अल्लाह ने कहा मेरे बंदो किस रब के मुनकर हो रहे हो जिसने तुम्हें रहने के लिए जो जमीन अता फरमाई पूरी कायनात को छः दिन में बनाया और उस छः दिन में दो दिन पूरे तुम्हारे जमीन के ढांचे को बनाने में लगाए और दो दिन उसके अंदर तुम्हारे लिए गल्ले गिज़ाओं तुम्हारा दस्तरखान सजाने के लिए लगाए चार दिन पूरे तुम्हारी ज़मीन पर लगाए फिर आसमान पर तवज्जो फरमाई और फिर अर्श को कुर्सी को कलम को लौह को सात आसमानों को जन्नत को दोजख को सब कुछ को अल्लाह ने सिर्फ दो दिन में बना के मुकम्मल कर दिया। तुम उस रब से मुनकर हो, ये ज़मीन तो सजदों के लिए थी, ये शराब खानों के लिए तो नहीं थी, ये ज़मीन तो मस्जिद के लिए थी, ये नाच गाने के लिए तो नहीं थी। तुम 14 अगस्त नाच के मनाते हो, तुम 14 अगस्त गा के मनाते हो, क्या सेलिब्रेशन हो रही है कि जिस रब ने तुम इतना बड़ा तोहफा दिया तुम उसी से बगावत करके अपनी खुशी का इजहार करते हो। इतने अंधे और दीवाने हो कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र नाशुक्री से अदा करते कि 14 अगस्त मनाई जा रही, गाने गाए जा रहे, लड़कियां नाच रही हैं, 14 अगस्त मनाया जा रहा, लानत है ऐसी आजादी पर कि जिसमें अल्लाह ही नाराज हो। 6 लाख इंसान जबह हुए तब पाकिस्तान बना, कौन जवाब देगा? अल्लाह रसूल को जवाब देना ही बड़ा मुश्किल है, उन 6 लाख को कौन जवाब देगा जिनकी हड्डियां गल गई, जिन खाकिस्तर हो गए, जो सिखों की कृपानों से जेर जबर हो गए। तो अल्लाह ने दो दस्तरखान सजाए हैं, एक जिस्म का दस्तरखान है जिसके लिए पानी दूध फल गल्ले दाल सब्जी ये सब कुछ सजाए, والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم। दो चीज़ों को मुकम्मल गिज़ा दोगे तो फिर इंसान सबसे अहसन तकवीम बनेगा, अगर दो में से एक को दी दूसरे को ना दी तो फिर ये असफल साफिलीन में तब्दील हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने यहाँ चार चीज़ों की कसम उठाकर ये दो दस्तरखान, इन चार कस्मों से मैं आपको बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह ने दो दस्तरखान सजाए हैं, एक को मैंने बयान किया है, एक को मैं अब अर्ज करने लगा हूँ। ये कहाँ गया वो बच्चा जिसने कुरान पढ़ा था, उसने वो शहर और रमज़ान पढ़ा तो ये सारा मज़मून मेरे जहन में आना शुरू हुआ कि अल्लाह ताला ने दो दस्तरखान सजाए हैं इस धरती पर, एक है गल्ले का, फल का, फूल का, दूध का, गोश्त का, पानी का, अनार का, सेब का, मिर्चों का, दाल का, प्याज का, लहसुन का, थूम का, आम का, किन्नों का, लीमों का, ये सारे अल्लाह ताला ने सजा दिए, किस्म किस्म के फल बना दिए, खाते रहो और शुक्र अदा करो। हाँ, हराम ना खाओ, पियो पर शराब ना पियो, खाओ पर हराम ना खाओ, बोलो पर झूठ ना बोलो, मर्द औरत ताल्लुक कायम करो निकाह के साथ, जिना ना करो, तिजारत करो सूद पे ना करो, जिंदगी गुजारो आज़ादी की नहीं मेरे नबी की गुलामी की, नकल मारो अपने नबी की, नकल मारो। नकल मार के लोग पास होते हैं कि नहीं होते? क्यों भाई? अरे बोलो, नकल मार के पास होते हैं कि नहीं होते? कहते आज मैं बूटी लाई है, तो मैं ये कहता हूँ तुम अपने नबी की नकल मारो, तुम अपने नबी की नकल मार लो। तुम कहते हो जो हमारा अंदर बड़ा गंदा है, रहने दो गंदा, तुम अपने नबी की नकल मार लो तो अल्लाह की कसम जैसे तुम नकल मार के दुनिया में पास होते हो, अगर अपने नबी की नकल मारोगे ना तो अल्लाह बड़ी हया करेगा तुमसे, वो तुम्हें पास कर देगा, बड़ी शर्मों वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह जादूगर तो पानी देना, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह जादूगर तो मेरे मुकाबले में आए थे, तूने उनको हिदायत क्यों दे दी? तो अल्लाह ताला ने कहा मूसा तेरा रूप धार के आए थे, तेरी शबी मुझे उनमें नजर आई, मुझे प्यारे लगे, मैंने उनको भी हिदायत अता फरमाई। तो तुम किसी के पीछे तो चलोगे ना, ये हुलिया मौलवी साहब का नहीं है, ये मेरे नबी का, मैंने नकल मारी, मेरा अंदर गंदा है, मैं गलीज़ इंसान हूँ,
मैं गंदगियों से भरा हुआ हूँ, लेकिन मैंने नकल एक बड़े खरे की मारी है, एक बड़े सच्चे सौदे के पीछे मैं चला हूँ, और मुझे अपने अल्लाह से उम्मीद है कि वो हया वाला है, वो शर्मों वाला है, वो दरगुजर करने वाला है। तो तुम नकल मारो, इन औरतों से कहता हूँ अम्मा खदीजा की नकल मारो, बीबी फातिमा की नकल उतारो। यहाँ की औरत ने आज़ादी पाके कितना दुख पाया है, यहां आजादी हलाकत है, आजादी में कोई सुख नहीं है। गुलामी मुस्तफा में आओ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। वत्तीन वज़ैतून, एक दस्तरखान रोटी का, पानी का, गिजा का। वत्तीन वज़ैतून में एक इशारा भी है कि अच्छी गिजा खाओ, समोसे पकौड़े पराठे अंडे हलवे। अभी रमजान आ रहा है ना, तुसी तबाही फेर दे मणि। ईद के बाद डॉक्टर बड़े खुश होते हैं, क्योंकि बड़े मरीज आते हैं अस्पताल, हलवे दे मारे हुए, सेवियां दे मारे हुए। तो वत्तीन वज़ैतून में इशारा है एतदाल से गिजा खाओ, मुनासिब गिजा खाओ, अच्छी गिजा खाओ। लज्जतों के पीछे ना भागो, चस्के के पीछे ना भागो, एतदाल के साथ अपनी गिजा को। अलामा ज़हबी ने तिब नबवी, बहुत से मुहद्दिसीन ने लिखी हैं, एक अलामा ज़हबी ने लिखी है, वो इतनी मारूफ नहीं हुई, इब्नुल क़य्यिम की मारूफ हो गई, अलामा ज़हबी की तिब नबवी मारूफ नहीं हुई। तो उसमें एक छोटा सा चार्ट उन्होंने दिया हुआ है कि किस चीज़ को किस चीज़ के साथ मिलाकर खाते हैं और किस चीज़ के खाते हुए दूसरी चीज़ को नहीं खाते। वो एक खूबसूरत सा छोटा सा चार्ट है। तो मैं वो पढ़ रहा था तो मेरे साथ एक प्रोफेसर बैठे थे मेडिसिन के, डॉक्टर अब्दुल वाहिद मरहूम। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये चार्ट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कहा सुनाओ। मैंने सुनाया। कहने के जो आदमी इस पे अमल कर लेगा वो मरजुल मौत के सिवा बीमार नहीं हो सकता। मौत उन नप्पे त नप्पे ऊन नहीं हो नपींदा हो। ये सारे समोसे पराठों के मारे होते और इफ्तारी में वो तबाही फिर। अब तरावी कौन पढ़े, त्रै शेर था अंदर गया पे परोठा तो पकौड़े, हूँ तरावी कहें पढ़नी। और मेरे नबी ने फरमाया तरावी के हर सजदे पे 1500 नेकी लिखी जाती, तो 40 सजदों पे 60,000 कमाई है। मौलाना साहब इधर एक चट लगा दें, छोटी सी चट लगा दें कि यहां तरावी पढ़ने वाले को फी सजदा 150 क्राउन दिया जाएगा। इतने वेखा जो सोटिया ना लड़ाई किवें होंदी, आया था मुसल्ला मैं बिछाया तू कि आ गया। मौली साहब इंशाल्लाह देखेंगे कि छतों पर भी बंदे चढ़े हुए होंगे। हर सजदे पर 1500 नेकी है, हर सजदे पर 1500 नेकी है। तो 60,000 रोज की कमाई है और तरावी के हर सजदे पर जन्नत में सुर्ख याकूत का एक महल तैयार किया जाता है जिसके 60,000 सोने चांदी के दरवाजे होते हैं। और तरावी के हर सजदे पर जन्नत में एक दरख्त लगाया जाता है जिसके नीचे 100 साल अरबी घोड़ा दौड़ सकता है। वत्तीन वज़ैतून, एक दस्तरखान। दूसरा दस्तरखान वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन, एक दस्तरखान अल्लाह ने रूह के लिए बिछाया है, वो कुरान है। रूह का दस्तरखान कुरान है और उस पर भी खाने चुने हुए, कहीं तौहीद की डिश, कहीं रिसालत की डिश, और कहीं जिक्र की डिश, और कहीं तिलावत का मज़ा, और कहीं हज के जलवे, कहीं रोज़े की प्यास का मज़ा, कहीं जिहाद के थकावट के मज़े, कहीं अल्लाह की राह में कुर्बान होने की डिश, और कहीं रातों को उठ के रोना, कहीं रातों को तड़पना, कहीं अल्लाह के लिए फेरे लगाना, कहीं मीना के चक्कर, कहीं तब बैतुल्ला के तवाफ़, कहीं अरफात की दुआएं, कभी मदीने में मस्जिद नबवी की ज्यारतें, और कभी अल्लाह के सामने गड़गड़ाने और रोने के जलवे, और कभी कुरान पढ़ने के, और कभी माफ़ करने के, कभी दरगुजर करने के, कभी झुक जाने के, कभी सह जाने के, कभी पी जाने के, कभी दरगुजर करने के, कभी एहसान के, कभी सखावत के, कभी महब्बत के, कभी तवाज़ो के, कभी मस्कनत के, कहीं इल्म के, कहीं उल्फत के, कहीं इरफान के, कहीं मारफत के। अल्लाह ने दस्तरखान चुन दिए, कुरान भरा हुआ है रूह के
रूह की ग़िज़ा से कुरान भर दिया है, सारे कुरान को अल्लाह ने रूह के लिए ग़िज़ा बना दिया है। ये पढ़ना भी इसको है, वो भी सीखने का दर्जा है, पर ये सिर्फ पढ़ने से नहीं सीखा जाता। मैंने शुरू में कहा था ये कलाम इश्क है, अगर आशिक मिजाज हो के नहीं सीखेगा तो बस फिर खाली बैठ के तबसरे करेगा, कुरान वाला नहीं बन सकेगा। हाँ ये कलाम इश्क है, ये पैगाम इश्क है। सिखरी तरवश मंसूरी नो हुन ठप रख कंज कदूरी नो, हाथी न समझ हिदाया काफी न समझ किफाया, कर पुरजे जिल्द विकाया यो दिल कुरान किताबे। ये ख्वाजा गुलाम फरीद हमारी शायरी है। आशिक हो में इश्क कमा में दिल रखें वांग पहाड़ा हो, सह सह बदियाँ हजार उलामे कर जाने बाग बहारा हो, मंसूर जय चुक सूली दिते जड़े वाकिफ कुल इसरारा हो, सजदियों सिर चाइन बाहु तोड़े काफिर कहन हजारा हो, आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल माशूक दे मन्ने, सिर न जोड़े तो मुख ना मोड़े भमें सौ तलवारा खन्ने, सच्चा इश्क हुसैन दबाहु सिर दित्ते ते राज न भन्ने। वल्लदीन आमनु अशद्द हुब्बल लिल्लाह, इस आयत का ये तर्जमा है। वल्लदीन आमनु अशद्द हुब्बल लिल्लाह, जो ये नहीं ढूंढते फिरते सुन्नत है कोई बात नहीं, सुन्नत है कोई बात नहीं, सुन्नत है कोई बात, वो मर मिटते हैं। मोहब्बत तो आदमी को दीवाना कर देती है। तुम फलसफे ढूंढते फिरते हो कि तुम्हारा दिल आशना नहीं है, इसमें रगे इश्क फड़की नहीं है। इमाम अबू हनीफा के सामने खरबूजा पेश किया गया, हजूर खाएं, हाय हाय कहा, मुझे पता नहीं मेरे नबी ने यूं काटा था कि यूं काटा था, मैं नहीं खाता, हराम था, नाजायज था, ये खिलाफ सुन, कोई खिलाफ सुन, मेरे नबी ने खरबूजा देखा ही नहीं, खाना क्या था। तुम कहते हो सुन्नत है कोई बात नहीं, सुन्नत की खैर है कोई बात नहीं, एक टायर में से हवा निकाल दो फिर कहो गाड़ी चलेगी कोई बात नहीं, टायर में हवा तो मुफ्त डल जाती, आप ही हवा डाल लेते हो तुम, तो हवा तो मुफ्त होती है, छोड़ दो कोई बात, दुख दर्द की बात है। तुम्हारा नबी कभी नंगे सर बाजार में ना गया, तुम सब नंगे सर मस्जिद में बैठे। एक दर्द की बात बता रहा हूं, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा हूं, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं हमदर्दी से बोल रहा हूं, दुख दर्द से बोल रहा हूं, दुखी दिल से बोल रहा हूं, मैं खतीब नहीं हूं, कोई पैसे लेके नहीं आता हूं, तबलीग वाले चंदा नहीं मांगते हैं, अपनी जेब से लगाने का निजाम चलता है। वैसे दर्द में कह दिया है किसी को बुरा लगाओ तो माफ कर देना, कि मेरा नबी तो बाजार में कभी नंगे सर नहीं फिरा था, तुम नमाजें नंगे सर पढ़ते, तुमने जिंदगी सीखी कोई नहीं पढ़ना। मैं 40 साल से पढ़ भी रहा हूं, पढ़ा भी रहा, बुखारी सबसे बड़ी किताब है, मैं पढ़ाता हूं, लेकिन मैं तुम्हें दयानतदारी से बताता हूं, पढ़ने से नहीं आता, सीखने से आता है दीन, पढ़ने से नहीं आता दीन, सीखने से आता है, और तबलीग में दीन को सीखने की दावत दी जा रही है कि जब तक तुम जान माल कुर्बान नहीं करोगे, जब तक तुम घर भी बच्चों की राहतें अपने कुर्बान नहीं करोगे, तो तुम्हारे दिलों का रुख कैसे अल्लाह उसके रसूल की तरफ